आपका हृदय धमनियों के माध्यम से खून को शरीर में भेजता है। शरीर की धमनियों में बहने वाले रक्त के लिए एक निश्चित दबाव जरूरी होता है। जब किसी वजह से यह दबाव अधिक बढ़ जाता है तब धमनियों पर ज्यादा असर पड़ता है। दबाव बढ़ने के कारण धमनियों में रक्त का प्रभाव बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर बीमारी है। क्या आपको पता है कि हाई बीपी के लक्षण क्या क्या होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर होने पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? हाई बीपी के इलाज के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? ध्यान रखें कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपका हृदय भी काम करना बंद कर सकता है। लगातार उच्च रक्तचाप रहने से आपके शरीर को कई तरह की हानि पहुंच सकता है। इससे हार्ट फेल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ हाई बीपी के लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए घरेलू उपाय की जानकारी जरूरी है। हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जब व्यक्ति असंतुलित आहार विहार का सेवन करता है तो कफ और मेद की वृद्धि हो जाती है। कफ और मेद धमनियों के स्थान संचय कर धमनियों में कठिनता उत्पन्न करता है और वायु रक्त संवहन की प्रक्रिया को प्रतिकूल गति प्रदान करने को उच्च रक्तचाप को बढ़ा देती है। हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण है? असंतुलित जीवन शैली और आहार के कारण तो होता ही है, लेकिन ये भी कारण होते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने पर प्रमुख कारण मोटापा होता है। मोटे व्यक्ति में बीपी बढ़ने का खतरा आम व्यक्ति से ज्यादा होता है। शारीरिक श्रम न करना। जो लोग व्यायाम, खेलकूद और कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं और आराम तलब जीवन जीते हैं उन्हें रक्तचाप की समस्या हो सकती है। जो व्यक्ति शुगर, दिल के रोग, किडनी के रोग से ग्रसित होते हैं, जिनकी रक्त धमनियां कमजोर है, उनमें रक्तचाप उच्च हो जाता है। ज्यादा नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज आदि खाने से भी बीपी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन करते हैं बीपी बढ़ने की समस्या होती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भी बीपी बढ़ने की समस्या होती है। हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है? हाई बीपी के कारण हृदय से जुड़े रोग, गुर्दे के रोग, आंख आदि खराब हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर धीमा जहर है जो धीरे धीरे शरीर के अंगों को खराब कर देता है। हाई बीपी से बचने के लिए सबसे पहले हाई बीपी के लक्षणों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाई बीपी के लक्षण के रूप में व्यक्ति को तेज सिरदर्द होता है। हाई बीपी के लक्षण के रूप में व्यक्ति को थकावट और ज्यादा तनाव होता है। रोगी को सीने में दर्द होता है और भारीपन की अनुभूति होती है। रोगी को सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। हाई बीपी के रोगी को घबराहट महसूस होती है। कुछ भी समझने और बोलने में कठिनाई होती है। हाई बीपी के रोगी के पैर अचानक सुन्न हो जाते हैं। हाई बीपी के रोगी को प्रायः बहुत कमजोरी महसूस होती है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को धुंधला दिखाई पड़ता है। चलिए अब जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचें। अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए आप हाई बीपी के लक्षणों को पता चलते ही आहार और जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाएं ताकि बीमारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। वजन बढ़ने के साथ अक्सर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अधिक वजन सोते समय सांस लेने में बाधा उत्पन्न करती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कम करने का एक प्रभावी तरीका है वजन को कम करना। प्रतिदिन 20 से 25 मिनट तक व्यायाम करें। स्वस्थ आहार जैसे कि साबुत अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट एवं कम फैट वाले भोजन से बीपी कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को अपने डाइट में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ अधिक खाने चाहिए। दूध, हरी सब्जियां, दाल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन और संतरे में ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। प्रतिदिन मेवे के 4 अखरोट एवं 5-7 बादाम खाएं।
हाई ब्लड प्रेशर में फलों में सेब, अमरूद, नार, केला, अंगूर, अनानास, मौसमी, पपीता ये सब खाएं। हर रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां खाएं। खट्टे फल नींबू पानी, सूप, नारियल पानी, सोया, अलसी और काले चने खाएं। रोजाना अधिक मात्रा में पानी पिएं। भोजन के लिए सोयाबीन तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद में प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, गोभी का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। बिना मलाई वाले दूध का सेवन करें। हाई ब्लड प्रेशर होने में ओमेगा 3 भी शामिल करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को डार्क चॉकलेट का सेवन करना चाहिए। डार्क चॉकलेट बीपी कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आहार क्या है? जिस व्यक्ति को हाई बीपी हो उसे नमक कम खाना चाहिए। कॉफी और चाय का सेवन अधिक करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें क्योंकि उनमें नमक ज्यादा होता है। स्मोकिंग और शराब का सेवन ना करें। बाहर की चीज जैसे पिज्जा, बर्गर आदि सेवन ना करें। बेकिंग सोडा का सेवन हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय अपने भोजन में नमक ऊपर से न डालें। पापड़ भी बिना नमक के ही खाएं। चटनी, अचार, अजीनोमोटो, बेकिंग पाउडर और सॉस खाने से परहेज करें। ब्लड प्रेशर के रोगियों को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें फैट अधिक हो। जब आप सोते हो तो बीपी कम होता है। यदि आप भरपूर नींद नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग कम सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए गुस्सा जानलेवा होता है। जितना संभव हो सके, प्रयास हो सके, तनाव और गुस्से में दूर रहना चाहिए। रोजाना मेडिटेशन और योगा करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आगे जाकर वजन बढ़ता है और दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च ताप को नियंत्रित करने के घरेलू उपाय। हाई ब्लड प्रेशर से राहत पाने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन हर घर के इस्तेमाल में लाया जाता है। लहसुन ब्लड प्रेशर को ठीक करने में बहुत मददगार होता है। लहसुन से हाई बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। आंवले के रस का सेवन। एक बड़ा चम्मच आंवले का रस और उतना ही शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर का उपचार होता है। काली मिर्च का प्रयोग। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, आधे गिलास गुनगुने पानी में काली मिर्च पाउडर का 1 चम्मच घोल लें। इसे 2-2 घंटे में पीते रहें। इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों का उपचार होता है। तरबूज का सेवन। हाई ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में तरबूज लाभ पहुंचाता है। तरबूज के बीज की गिरी तथा खसखस अलग पीस कर बराबर मात्रा में रख लें। इसका रोजाना 1-1 चम्मच सेवन करें। नींबू का उपयोग। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर 3-3 घंटे के अंतर में पीना चाहिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर का इलाज होता है। तुलसी और नीम। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए 5 तुलसी के पत्ते और 2 नीम के पत्तियों को पीस लें। इसे 1 गिलास पानी में घोलकर खाली पेट सुबह पिएं। इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों का इलाज होता है। खाली पैर हरी घास पर चलने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नंगे हरी घास पर 10 से 15 मिनट चलना चाहिए। रोजाना चलने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पालक और गाजर। हाई ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए ताजा पालक और गाजर का रस निकालें। इसे रोजाना पिएं। इसका रस लाभकारी सिद्ध होता है। करेला। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए करेला और सहजन के फल का सेवन करें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण ठीक होते हैं। ब्राउन राइस। हाई ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए ब्राउन राइस खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को ब्राउन चावल बहुत ही लाभ देता है
और हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण को दूर करता है। मेथी दाना, 3 ग्राम मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ लें। इसे प्रतिदिन खाने से लाभ मिलता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर का इलाज होता है। टमाटर, हाई ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए टमाटर का सेवन करें। टमाटर से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। रोजाना 1 टमाटर या 1 कप टमाटर का जूस जरूर पिए। अनार, आप अनार से बीपी कम करने के उपाय कर सकते हैं। रोजाना 1 अनार या अनार के जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। चुकंदर, आप चुकंदर से भी बीपी को कम करने के उपाय कर सकते हैं। 1 चुकंदर और आधी मूली लें, इनको छील कर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और मिक्सर में डालकर जूस निकालें। यह जूस दिन में 1 बार पीने से हाई बीपी कंट्रोल में आ जाता है। तिल के तेल, बीपी कम करने के लिए आप घरेलू उपाय ये कर सकते हैं। इसके लिए आप रोजाना खाने में तिल का तेल प्रयोग करें, इससे भी बीपी कम हो जाता है। अदरक का इस्तेमाल, सबसे पहले किसी फल या जूस या स्मूदी बनाए, फिर इसमें ताजा अदरक डालकर पिए। इसके अलावा आप खाने प्रतिदिन अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पानी, आप नारियल से भी बीपी कम करने के उपाय कर सकते हैं। आप पूरे दिन में 2-3 बार नारियल पानी का उपयोग करें, इससे हाई बीपी कम हो जाता है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम या अधिक होना दोनों ही घातक होता है। जब मरीज का ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक होता है तो उस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बीपी कम करने के घरेलू उपाय के बाद भी जब मरीज को हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण के रूप में सीने में दर्द और भारीपन महसूस हो और सांस लेने में परेशानी हो, सिर दर्द हो, कमजोरी या धुंधला दिखाई दे, तो मरीज को डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए, नहीं तो यह गंभीर रोग में परिवर्तित होकर घातक स्थिति तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।